हेलो डियर स्टूडेंट, बोर्ड एग्जाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो आज हम लोग क्लास 10 फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखने वाले हैं, जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय में भी पूछा जा सकता है। तो अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो तो लास्ट तक देखना, क्योंकि आप लोगों के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कौन सा न्यूमेरिकल है। दोस्तों, इस वीडियो के लाइक का टारगेट है ओनली 50, तो आप लोग जरूर सहायता करना। तो दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल। आपका 3.2 × 10⁻¹⁹ कूलाम का आवेश 10⁶ मीटर प्रति सेकंड के वेग 3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 60 अंश के कोण पर प्रवेश करता है। आवेश पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। आपको ज्ञात करना है बल, और न्यूमेरिकल लगाने का तरीका जो है, पहले आप जो जो ज्ञात है उसे सही से लिख लीजिए, फिर आपको देखना है इस पर कौन सा सूत्र फॉलो होता है। जब सूत्र याद रहेगा तभी आप जान पाओगे, तो सूत्र को जरूर याद कर लीजिए, ठीक है। तो हम पहले लिखते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमें कूलाम, कूलाम यानी कि आवेश, आवेश हमें दिया हुआ है। तो क्यों हमारा दिया हुआ है, क्यों आवेश को क्यों से प्रदर्शित करते हैं, तो क्यों हमारा कितना दिया हुआ है, 3.2 × 10⁻¹⁹ कूलाम, ठीक है। इतना हमें दिया हुआ है आवेश, तो इतना हमें आवेश दिया हुआ है। अब यहां मीटर प्रति सेकंड के वेग से, तो हमारा v यानी कि वेग जो हमारा कितना दिया हुआ है, 10⁶ मीटर प्रति सेकंड। ध्यान देना, त्रुटि नहीं करना है बोर्ड एग्जाम में। अब इतना वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र को हम किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, बी से। तो वी आप लोग यहां लिख दीजिए, और बराबर ये वी होना चाहिए बी, ठीक है। बराबर हमारा क्या है, तीन वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इसका जो मात्रक है वो भी याद रखना, कभी कभी बहुविकल्पीय में पूछ लेता है। अब हमारा क्या दिया हुआ है, थीटा यानी कि कोण। तो हमारा थीटा कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, ठीक है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, एफ। अब क्वेश्चन में इतना चीजें दी हुई हैं। अब यहां से आप देखिए, हमें यहाँ से कौन सा सूत्र फॉलो करना है, हमें सूत्र जो ढूंढना है, मान क्यू होना चाहिए, वी होना चाहिए, एंड वी होना चाहिए, और थीटा होना चाहिए, और एफ हमें ज्ञात करना है। तो पहले आप यहाँ लिख दीजिए एफ बराबर, अब हमारा वो जो सूत्र है वो कौन सा है दोस्तों, क्यू बी वी साइन थीटा, ये सूत्र है, ठीक है। सूत्र बहुत ही अच्छा है, और आपके बोर्ड एग्जाम में इससे न्यूमेरिकल आते हैं, तो लर्न कर लीजिएगा, हमारी राय है, ठीक है। ये सूत्र है, तो सूत्र को याद कर लेना। अब हम इसके मानों को रखते हैं, ठीक है। एफ फिर से लिख लेते हैं, एफ बराबर क्यू बी बी साइन थीटा। अब हमारा देखिए, एफ हमें ज्ञात करना है, क्यू हमारा कितना दिया हुआ है, 3.2 × 10⁻¹⁹ कूलाम, एंड बी हमारा कितना हुआ है, 10⁶ मीटर प्रति सेकंड, और हमारा दूसरा बी कितना दिया हुआ है, 3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, एंड हमारा साइन थीटा 60 डिग्री। कितना इजी है अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो, ठीक है। अब हमें इसको केवल गुणा करना है, तो आप लोग समझिए हमें कैसे करना है। इसका पहले हम लोग गुणा कर लेते हैं, 3 × 6 × 3 = 9, 9.6, एंड आपका ये प्लस है माइनस है, तो इसमें से इतना घट जाएगा 6, तो आपका कितना बचेगा, 10⁻¹⁹, ठीक है, इतना बचा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हमारा साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है,
तो साइन 60 डिग्री का मान अंडर रूट 3/2 होता है। इसे याद करने का ट्रिक भी बता दिया है, जाके जरूर देखना, ठीक है। तो अब हम इसे काट देते हैं, 2 से कट जाएगा, यस, क्योंकि 4 एंड 8 इंटू 10^-13, ठीक है। अब देखिए, अब अंडर रूट 3 का जो मान होता है वो कितना होता है, क्योंकि यहाँ एक स्टेप और लिख देते हैं ये, ठीक है। अब देखिए, यहाँ हम फिर से करेंगे और अंडर रूट 3 का मान रखेंगे और गुणा करेंगे, तब हमारा आंसर आएगा। याद कर लेना, अंडर रूट 3 का मान जो होता है वो होता है 1.732, और इसका जब गुणा होगा तो वो आपका आएगा 8.31। मल्टीप्लाई जरूर कर लेना, ठीक है, 10^-13, ठीक है। अब इधर हमारा क्या था, बल ज्ञात करना था, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो यही आपका क्या हो गया, क्या हुआ है आंसर। तो दोस्तों ऐसे आप लोगों को न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, पहले इसे लिख लेना है ध्यान से। तो दोस्तों इसे आप लोग नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिए, और अगर आप लोगों को किसी में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। अब आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक नोट नहीं किया है तो नोट कर लीजिए, ठीक है। फार्मूला जरूर नोट कीजिए, फार्मूला का एक छोटा सा कॉपी बनाइए और उसमें इंपॉर्टेंट फार्मूला लिखिए। ये होती है पढ़ने की मतलब ढंग, ठीक है। अच्छे से आप लोग टाइम टेबल बना के पढ़ो, बोर्ड एग्जाम 2 ही महीना बचा हुआ है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो बहुत ही अच्छा है, मैं आप लोगों के लिए जल्द ही वीडियो लाने वाला हूँ, और भी पार्ट 2 भी आएगा। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।